The Lalan Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है My Store App। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। My Store, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। आज बात लोकतंत्र की। लोकतंत्र का मंदिर कहा जाने वाला संसद भवन अब पुराना हो गया, क्योंकि इसके सामने ही एक नई इमारत खड़ी होने वाली है। आज इसका भूमि पूजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को लोकतंत्र की मातृभूमि बताते हुए नई इमारत की नींव रखी। उन्होंने कहा, संसद भवन की इमारत पुरानी हो चुकी है, अब इसे विश्राम देने की आवश्यकता है। तो नए संसद भवन में क्या होगा, डिजाइन कैसा होगा, इसे कौन बना रहा है, सब बातें आपको विस्तार से बताएंगे और मौजूदा संसद भवन के इतिहास में भी झांकेंगे। संसद भवन तो नया बना लेंगे, लेकिन नए भवन में भी जो चुन कर आएंगे उनकी सोच भी क्या नई की जा सकती है, ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए। और आज इसलिए क्योंकि एक राज्य के दौरे पर एक पार्टी के अध्यक्ष पर दूसरी पार्टी के समर्थक ईंट पत्थर से हमला कर देते हैं। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि कल ही सत्ताधारी पार्टी की सांसद बीच सभा में बोलती हैं कि एक वोट देकर आपने हमें खरीद नहीं लिया। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि देश की एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग कड़ाके की ठंड में देश की राजधानी के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो जिसमें लोकतंत्र का एक और रूप नजर आ रहा है। ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर का वीडियो है। वीडियो में वाईएसआर कांग्रेस की नेता डी रेवती बैरिकेड को उठाकर फेंकती दिखाई दे रही है। ये बैरिकेड एक टोल प्लाजा का है। सामने टोल प्लाजा के कर्मचारी खड़े हैं। डी रेवती टोल कर्मियों को थप्पड़ मारते भी दिख रही है। टोल प्लाजा के कर्मचारियों का आरोप है कि जब डी रेवती को टोल देने के लिए रोका गया तो भड़क गई, बिना टोल दिए जाने लगी, बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश करने पर कर्मचारियों के साथ मारपीट की। जगह कोई भी हो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हर तरफ से अक्सर हमारे पास इस तरह के वीडियो सामने आते हैं। नेताजी की गाड़ी आती है और जब टोल प्लाजा के कर्मचारी रोकते हैं तो उनसे मारपीट की जाती है। सत्ता का गुरूर। और ऐसा नहीं कि नेताओं के पास टोल देने के लिए पैसे नहीं होते, खूब होते हैं, पर टोल देना नहीं चाहते। क्या वजह है इसकी? इनके अंदर का अहंकार, खुद को दूसरों से बड़ा, वीआईपी दिखाने की चाह। और जहां ये अहंकार आता है, लोकतंत्र वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र तो सब बराबर वाले सिद्धांत से चलता है। ये था आज का वीडियो। आप अपने आसपास के माननीयों के आचरण पर नजर रखिए और उनकी हनक को उनकी खूबी मत मानिए। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी बंगाल से है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन दिनों बंगाल के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज नड्डा डायमंड हार्बर की तरफ जा रहे थे। क्या खासियत है इस जगह की? यहां से ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल के नेता अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। जेपी नड्डा की गाड़ी जब दक्षिण 24 परगना के बीरापुर पहुंची तो काफले को रोक लिया गया। वहां टीएमसी समर्थक केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आगे क्या हुआ आप वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। वीडियो में दिख रही गाड़ी की अगली सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बैठे हैं। बाहर से भीड़ लगातार उनकी गाड़ी पर पथराव कर रही है। कुछ पत्थर कांच तोड़कर गाड़ी के अंदर भी आए। बीजेपी का आरोप है तृणमूल कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा की गाड़ी पर भी पथराव किया। साथ चल रहे बीजेपी नेताओं और समर्थकों से मारपीट की, गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला रोकने की कोशिश की। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की। काफिले में शामिल नेताओं ने अपनी आपबीती प्रेस को भी बताई। सुनिए। जो आने में मुझे दृश्य देखने को मिला वह इस बात को बताता है कि ममता जी के राज में बंगाल अराजकता का पर्यायवाची बन चुका है, असहिष्णुता का पर्यायवाची बन चुका है। इट हैज बिकम अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस एंड अ स्टेट ऑफ इनटॉलरेंस। आज
मैं यहां पहुंचा हूं तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा हूं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि ये गुंडा राज, ये अराजकतावाद ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी, आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है, इस बात को हमको समझना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों ने जेपी नड्डा के काफिले को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। नड्डा की सुरक्षा में चूक को लेकर दिलीप घोष ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी, जिस पर संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी दिल्ली से कोलकाता भेजे गए, जो अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। बीजेपी के इस आरोप का टीएमसी की तरफ से जवाब भी आया। पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिराद हाकिम ने कहा, यह पूरी तरह से झूठ है। जब से ये सरकार आई है तब से ये लोग राज्य सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं देते कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इस बार नड्डा साहब आए, अगर वो हमें सुरक्षा के लिए कहते तो हम जरूर व्यवस्था करते, लेकिन उन्होंने हमें इस बारे में बताया तक नहीं। ये तो सरकार की सफाई हो गई, लेकिन ये बहुत प्रकट है कि लगातार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों में खासतौर पर टीएमसी और बीजेपी के बीच झड़पें बढ़ती जा रही हैं। और ये किसी से छिपा नहीं है कि इस तरह की झड़पों में अपर हैंड किसका होता है, उसका जिसकी सरकार पुलिस को संचालित करती है। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं, किसानों के आंदोलन की बात करते हैं। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कानून में संशोधन के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया, हमने आपको विस्तार से बताया था। अब उन्होंने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। किसान कृषि कानून को वापस लेने पर अड़े हैं। उन्होंने दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे को ब्लॉक करने का ऐलान किया है। वहीं 12 दिसंबर को टोल प्लाजा को भी फ्री करने का ऐलान किया, यानी हर टोल पर जाकर किसान बैठ जाएंगे तो गाड़ियों को फ्री पैसेज मिलेगा। पंजाब में ये लगातार हो ही रहा है। इतना ही नहीं, 14 दिसंबर को पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। किसान संगठन रेल सेवा ठप करने की धमकी भी दे रहे हैं। ये तो किसान संगठनों की बात हो गई, अब नेताओं के बयान सुन लेते हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का जो आंदोलन है वो भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना वाला आंदोलन है। उन्होंने कहा कि सरकार के सभी फैसलों में आम जनता की भागीदारी होनी चाहिए, ना कि सरकार की मनमानी। केंद्र सरकार की तरफ से भी आज 106 पन्ने की एक ई बुकलेट जारी की गई, जिसमें किसान और ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं इसके बारे में बताया गया। इसके अलावा आज शाम को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तोमर ने कहा कि इन कानूनों पर संसद में सभी दलों के सांसदों ने अपना पक्ष रखा था। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित हुआ था। तीनों कृषि कानून किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हैं। मंत्री ने कहा कि जो प्रस्ताव सरकार ने भेजा है उस पर किसान यूनियन विचार करें, सरकार बातचीत के लिए तैयार है। विशेष रूप से उनकी मांग एक पहले तो ये थी कि कानूनों को निरस्त करना, तो हमारा सरकार का पक्ष है कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसान को आपत्ति है, उन प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार को कोई उन पर विचार करने में दिक्कत नहीं है, और हम यूनियन के साथ बैठकर उसको समाधान कर सकते हैं। फिर दूसरा, कुछ लोगों का बातचीत में बात आती थी कि ये कानून वैध नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा बता रखा था कि कृषि राज्य का विषय है और केंद्र सरकार उस पर कानून नहीं बना सकती। तो हम लोगों ने उनको बैठक में भी संतुष्ट करने की कोशिश की और हमने कहा कि केंद्र सरकार को ट्रेड के लिए कानून बनाने का अधिकार है और हमने ट्रेड से संबंधित ही अपने कानून को सीमित रखा है, और एपीएमसी इस कानून से कहीं भी प्रभावित नहीं होती, एमएसपी भी कहीं भी प्रभावित नहीं होती, और ये सब उनको बताने की कोशिश की। और फिर उनको हमने ये लिखकर भेजा कि केंद्र सरकार को किन किन कानूनों के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार है। दूसरी तरफ किसान समूहों का साफ कहना है कि जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेती तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है। कृषि मंत्री और श्री रेलवे मंत्री श्री
पीयूष गोयल की, और ये पहली बार हुआ है, बहुत बड़ी बात उनके मुंह से खुद निकली है कि उन्होंने ये एक्ट जो कंकरेंट लिस्ट में 33 नंबर आइटम है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बनाया है, और ट्रेड एंड कॉमर्स किसानों का विषय नहीं है। और ये हमने जो कहा था कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 14 नंबर पर दर्ज है। मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट है, वो भी स्टेट लिस्ट में दर्ज है, और किसान ट्रेड के लिए कभी मार्केट नहीं जाता, वो अपनी फसल मार्केटिंग के लिए करने के लिए जाता है। तो आज सरकार ने ये बात मान ली कि ये कानून ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है, तो आगे वो जो अमेंडमेंट्स करने की बात कहते हैं वो तो पीछे रह गई। अगर ये एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है जब, तो उनको कानून बनाने का अधिकार ही नहीं, भारत सरकार को ये कानून बनाने का अधिकार ही नहीं। जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे अपने फेस सेविंग के लिए, जो जो कानून बनाए उन्होंने ये बात सामने रख के कि एक पैरेलल मार्केट बनेगी, वो ट्रेडर के लिए बनेगी, प्राइवेट ट्रेडर के लिए। अगर प्राइवेट ट्रेडर ने एपीएमसी में जाना है, अगर अब जो आज जो कह रहे हैं कि सब टैक्स हो गए, पहले टैक्स फ्री मार्केट थी, अनरेगुलेटेड मार्केट थी, उसमें कोई लाइसेंस की किसी जरूरत नहीं थी, पैन कार्ड से खरीदी हो सकती थी, उसकी कोई जवाबदेही नहीं थी, जो पहले वो ये बात कहते थे, तो आज एपीएमसी एक्ट में पहले से ही ये प्रोविजन है, वो वहां ही खरीदी कर सकते हैं। अलग से मंडी बनाने का मतलब ही ये है कि धीरे धीरे एपीएमसी खत्म हो जाए और मोनोपोली हो जाए प्राइवेट कॉरपोरेट हाउसेस की, उसके लिए ये कानून बनाया गया। ये बात आज स्पष्ट तौर पर दोनों मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी कि हमने ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए कानून बनाए हैं। अगली सुर्खी कोरोना से जुड़ी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या 33 प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेड आईसीयू के अभी भी रिजर्व करने की जरूरत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 33 प्राइवेट हॉस्पिटल्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। दरअसल सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के तकरीबन 5081 आईसीयू बेड में से 2360 खाली पड़े हैं, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के 80% आईसीयू कोविड मरीजों के लिए रिजर्व तो कर दिए गए, लेकिन इन सभी आईसीयू बेड का इस्तेमाल प्राइवेट अस्पतालों में हो नहीं रहा, इसलिए खाली है। कोर्ट के आदेश के बाद इन आईसीयू बेड को आम मरीजों को भी नहीं दिया जा सकता, इसलिए अदालत ने आज दिल्ली सरकार को कहा कि वो दोबारा विचार करे कि क्या 33 प्राइवेट अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड अभी भी रिजर्व करने की जरूरत है। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए कुछ वक्त चाहिए, लिहाजा इस मामले की सुनवाई 10 दिन के लिए टाल दी जाए। हालांकि हेल्थ केयर प्रोवाइडर एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि दिल्ली सरकार इस मामले में लगातार डिले टैक्टिक्स अपनाने के लिए ऐसा कर रही है, यानी टाल रही है। दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस से ठीक होने की दर करीब 95% तक पहुंच गई है और संक्रमण की दर 3.42% पर है। इसके अलावा एक्टिव केसों की संख्या में भी कमी आई है। ये थी आज की सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। आज की बड़ी खबर इस वीडियो में है, जो दिख रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में ऐतिहासिक घटना है। क्या इतिहास रचा गया है? आज नए संसद भवन का शिलान्यास किया गया, उसी का प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन किया। दोपहर 1 बजे भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया था। भूमि पूजन कराने वाले पुजारी कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ से बुलाए गए थे। भूमि पूजन के बाद सर्वधर्म प्रार्थनाएं हुई। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, राज्यसभा के चेयरमैन और देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और कई पार्टियों के नेता मौजूद रहे। इनके अलावा कई देशों के राजदूत भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उद्योगपति रतन टाटा भी इस कार्यक्रम में नजर आए। भूमि पूजन के बाद इस ऐतिहासिक घटना पर प्रधानमंत्री मोदी के दो शब्द कहने की बारी आई। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए संसद भवन पर आने वाली पीढ़ियां गर्व करेंगी। उन्होंने कई महापुरुषों का जिक्र किया और गुरु नानक का भी एक कथन पढ़ा। सुनिए प्रधानमंत्री को। गुरु नानक देव जी ने, और बड़ी सटीक बात कही है, गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, जब लग दुनिया रही है नानक, जब लग दुनिया रही है नानक, किछु सुनिए किछु कहिए। यानी
जब तक संसार रहे तब तक संवाद चलते रहना चाहिए। कुछ कहना और कुछ सुनना, यही तो संवाद का प्राण है, यही लोकतंत्र की आत्मा है। पॉलिसीज में अंतर हो सकता है, पॉलिटिक्स में भिन्नता हो सकती है, लेकिन हम पब्लिक की सेवा के लिए हैं। इस अंतिम लक्ष्य में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। वाद संवाद संसद के भीतर हो या संसद के बाहर, राष्ट्र सेवा का संकल्प, राष्ट्र हित के प्रति समर्पण लगातार झलकना चाहिए। और इसलिए आज जब नए संसद भवन का निर्माण शुरू हो रहा है, तो हमें याद रखना है कि वो लोकतंत्र जो संसद भवन के अस्तित्व का आधार है, उसके प्रति आशावाद को जगाए रखना हम सभी का दायित्व है। हमें हमेशा याद रखना है कि संसद पहुंचा हर प्रतिनिधि जवाबदेह है। ये जवाबदेही जनता के प्रति भी है और संविधान के प्रति भी है। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा का जिक्र किया और कहा कि दुनिया में लोकतांत्रिक अधिकारों के पहले ग्रंथ के तौर पर मैग्ना कार्टा की मिसाल दी जाती है, लेकिन भारत में तो लोकतंत्र इतिहास और भी पुराना है। मैग्ना कार्टा से भी पहले 12वीं शताब्दी में, 12th सेंचुरी में ही भारत में भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंटपम अस्तित्व में आ चुका था। अनुभव मंटपम के रूप में उन्होंने लोक संसद का न सिर्फ निर्माण किया था बल्कि उसका संचालन भी सुनिश्चित किया था। और भगवान बसवेश्वर जी ने कहा था, ये अनुभव मंटप जनसभा नादिना मट्टू राष्ट्रदा उन्नति के हागू अभिवृद्धि के पुरगाव की केलसा मादत था वे। यानी ये अनुभव मंटपम एक ऐसी जनसभा है जो राज्य और राष्ट्र के हित में और उनकी उन्नति के लिए सभी को एकजुट होकर काम करने के लिए प्रेरित करती है। अनुभव मंटपम लोकतंत्र का ही तो एक स्वरूप था। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में ऐतिहासिक मौके पर भारत के लोकतंत्र की महिमा गा रहे थे, तब हमारे पास उनकी ही पार्टी की एक सांसद महोदया का भी लोकतंत्र पर एक बयान आया। इनका नाम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है, भोपाल से सांसद है। भोपाल में कल लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों का महत्व इन्होंने कैसे समझा, सुन लीजिए। मैं थोड़ा स्पष्ट बोलने में विश्वास भी रखती हूँ और हम बदनाम भी है इस मामले में, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। एक वोट देकर के आप किसी को खरीद नहीं लेते, एक वोट देकर के आप किसी को निर्धारित करते हैं कि आप इस काम के लिए हमारे लिए तैयार रहिए, हम आपके लिए सहयोगी बनकर के साथ में चलेंगे। एक वोट देकर के, और वोट तो खरीद भी लिए जाते हैं। पीएम मोदी वाले आदर्शों और साध्वी प्रज्ञा वाले लोकतंत्र के व्यवहारिक मूल्यों की आप तुलना कर नतीजा निकाल लीजिएगा कि इस स्केल पर हम कहां खड़े हैं। और इस स्केल पर कोई ये सोचे कि जो विपक्षी दलों के सांसद हैं या नेता वो बरी हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमने आपको पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हिंसा और TMC के रवैये के बारे में बताया था। वापस नए संसद भवन पर लौटते हैं। पहले आप ये ग्राफिक्स एनिमेशन देखिए, फिर बारीक डिटेल आपको बताते हैं। अब एक एक करके नए संसद भवन की बारीकियां समझते हैं। मौजूदा संसद का आकार है गोल, नई संसद होगी त्रिभुजाकार। अभी संसद में लोकसभा और राज्यसभा सदन के अलावा एक सेंट्रल हॉल है। सेंट्रल हॉल सबसे बड़ा है, इसलिए दोनों सदनों की ज्वाइंट सीटिंग सेंट्रल हॉल में भी होती है, या फिर और कोई बड़ा आयोजन हो तो सेंट्रल हॉल को काम में लिया जाता है।
पर नई वाली संसद में सेंट्रल हॉल नहीं रखा गया। सेंट्रल हॉल का काम भी लोकसभा का कक्ष ही करेगा। लोकसभा में 888 सीटें होंगी, राज्यसभा में 384। दोनों सदनों की ज्वाइंट सीटिंग लोकसभा में रखी जाएगी, क्योंकि इसमें अधिकतम 1224 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी। 64,500 वर्ग मीटर में ये इमारत बनाई जाएगी और इसमें खर्च होगा 971 करोड़ रुपए। ये बिल्डिंग भूकंप प्रतिरोधी होगी, आधुनिक डिजिटल तकनीक इसमें लगाई जा सकेगी। 2000 लोग संसद भवन के निर्माण में सीधे तौर पर शामिल होंगे। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से 9000 लोग शामिल होंगे। और इतने लोग मिलकर नया संसद भवन कब तक बना लेंगे? 2022 तक नई संसद तैयार करने का लक्ष्य है। अब सवाल आता है कि ये फैसले किसने लिए होंगे कि बिल्डिंग वृत्ताकार नहीं त्रिभुजाकार होगी या सेंट्रल हॉल नहीं होगा, यानी इसका डिजाइन किसने तैयार किया? गुजरात के आर्किटेक्ट विमल पटेल ने नए संसद भवन का डिजाइन उनके ही निर्देशन में तैयार हुआ। आर्किटेक्चर के मामले में विमल पटेल का बहुत नाम है। गुजरात हाईकोर्ट, IIM अहमदाबाद, IIT जोधपुर, अहमदाबाद का रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट और RBI अहमदाबाद जैसी इमारतों के डिजाइन विमल पटेल ने तैयार किए हैं। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। विमल पटेल की डिजाइन पर बिल्डिंग बनाने का जिम्मा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को सौंपा गया है। सितंबर 2020 में इसके लिए बोली लगाई गई थी। और ये बनाया कहां जा रहा है? नई संसद कहां बन रही है? पहले वाली संसद के बिल्कुल पास पार्लियामेंट हाउस स्टेट के प्लॉट नंबर 118 पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इंडिया गेट के आसपास 10 से ज्यादा बिल्डिंग बनाई जाएंगी, जिसमें नया संसद भवन भी शामिल है। इसके अलावा 51 मंत्रालयों के नए दफ्तर भी बनाए जाएंगे। नई संसद के लिए डिजाइन को और बारीकी से समझने के लिए हमने दो आर्किटेक्ट से भी बात की। सुनिए। आपने जो नई पार्लियामेंट का डिजाइन देखा है वो एक ट्रायंगुलर बिल्डिंग का डिजाइन है। देखिए, किसी भी देश की संसद आइकॉनिक होनी बहुत जरूरी है। वो संसद उस देश की जो, उस देश का जो दिल है, उस देश की जो आइडेंटिटी है, उसे डिफाइन करना चाहिए उसे। लेकिन इसमें बहुत से 90% ऐसे आर्किटेक्ट्स हैं जिनको ये चीज़ इस बिल्डिंग में नहीं लग रही है। एक संसद लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लोगों को एक टाइप से उसे अट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन इस डिज़ाइन में संसद के ये एक टाइप से एक कन्फाइंड एरिया है जो कि अपने अंदर ही अंदर, अपने ही अंदर एक कन्फाइंड है, जो अभी सीक्रेसी थी लटियंस दिल्ली की कि बिल्डिंग्स के अंदर क्या होता है लोगों को नहीं मालूम था, वो इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी इस बिल्डिंग से। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन एक तरह से आपको ये बताता है कि हम लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, हम लोगों से दूर जा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके डिज़ाइन के साथ ये है। कॉलोनियल टाइम में क्या होता था, हमारी पुरानी संसद बनी कॉलोनियल टाइम में, बड़े बड़े कॉलम्स बनाए जाते थे। हमारी लटियंस दिल्ली पूरी की पूरी इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर में डिज़ाइन की गई है। बड़े बड़े कॉलम्स जो कि एक अथॉरिटेटिव पावर के तरह से डिफाइन किए जाते थे, बड़े कॉलम्स। इसमें भी वही बात है। आज के भारत में क्या, मतलब क्या वो भारत की आइडेंटिटी को डिफाइन कर रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है कि अभी आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, एक तरह से बहुत से आर्किटेक्ट इस बात से खुश हैं क्योंकि आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी में इस बिल्डिंग को पसंद करने वाले आपको इक्का दुक्का लोग ही मिलेंगे। ज़्यादा रीचिंग आउट डिज़ाइन नहीं है इस बिल्डिंग का। उसके अलावा अगर आप देखें, अमेरिका की संसद को देखें, ब्रिटेन की संसद को देखें, इवन बांग्लादेश की और श्रीलंका की संसद को भी देखें, श्रीलंका की संसद एक बहुत ही आइकॉनिक स्ट्रक्चर है जो कि जॉफ्री बाबा ने बनाया था, एंड आप उनको इससे कंपेयर करें तो इस बिल्डिंग में ऐसा लगता है कि ये एक तरह से एक किला है। एक तरह से ये जो हमारे देश में पंचायत होती है, जो चौपाल होती है, उसके अराउंड ये नहीं घूमता है, ये बल्कि घूमता है एक पावर टूल के अकॉर्डिंग। शेप मैटर नहीं करता बिल्डिंग का, इंटेंट मैटर करता है जी। उस इंटेंट तक पहुंचने के लिए क्या शेप का इस्तेमाल किया जा रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गोल बिल्डिंग बनाना, रेक्टेंगुलर बिल्डिंग बनाना, ट्रायंगुलर बिल्डिंग बनाना, ट्रेपेजॉइडल बनाना, वो बहुत सारे रीजंस की वजह से बनती है कोई भी बिल्डिंग, किसी शेप की जो बनती है। लेकिन उसका जो पूरा आर्टिकुलेशन है, मतलब जिस तरीके से उसको उसकी सुसज्जा की गई है, जिस तरीके से एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
सो ये बिल्डिंग अगर ट्रायंगुलर हो, सर्कुलर हो, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ये है कि जब मैं उस बिल्डिंग के सामने खड़ा होता हूं तो उसके साथ मुझे फीलिंग क्या आती है, क्योंकि प्लान में बिल्डिंग नहीं देखी जाती है। जब हम किसी भी बिल्डिंग के पास जाते हैं तो हम उसका प्लान नहीं दिखता है, हम उसके साथ दूसरे एंगल पे एसोसिएट होते हैं। तो अगर ये गोल हो, चौकोर हो, आर्क हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस बात से फर्क पड़ता है वो उस रिलेशनशिप से पड़ता है कि आपके साथ बिल्डिंग क्या बिहेवियर क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, क्या जो बिल्डिंग का करंट डिजाइन है। करंट डिजाइन में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आर्किटेक्चर का प्रोसेस बहुत लंबा होता है और डिजाइन चेंज होते रहते हैं, आइट्रेशंस बदलते जाते हैं। तो जो करंट डिजाइन है और जिसकी विजिबिलिटी हमको आज है वो अभी तक बहुत डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि वो हमारे नेशनल हीरोइज्म को सिंबलाइज नहीं करता है। हमारा जो कोई कोई भी बिल्डिंग है वो एक आइकन होती है, वो आइकोनिज्म क्रिएट नहीं कर पा रही है। वो बिल्डिंग वो यूटिलिटी में बहुत अच्छी हो सकती है, वो एक बहुत अच्छी बिल्डिंग टेक्नोलॉजिकली हो सकती है, उसके अंदर कमरे बहुत अच्छे बने हो सकते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से बाहर आ रही है बिल्डिंग अपने आप को बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट कराएगी, वो बहुत बेसिक है। वो बिल्कुल एक इंडस्ट्रियल शेड की तरह है, तो वो बहुत बेसिक है। दूसरा सवाल कि इस बिल्डिंग को इसी जगह, इसी लोकेशन पे और कहां और अच्छे जगह से बनाया जा सकता था, वो आइकोनिज्म क्रिएट किया जा सकता था, क्या उसको एक्सप्लोर करने की पॉसिबिलिटी को देखा गया या नहीं देखा गया डिजाइन के प्रोसेस में। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिमल पटेल, वो मेरे सीनियर हैं हमारे कॉलेज, मैं उसी कॉलेज से पास आउट हूं जिसमें वो चेयरमैन है, उनकी कैपेबिलिटी को क्या एक्सप्लोर किया गया उस प्रोसेस में, मुझे वो लगता है कि नहीं हुआ। मतलब बहुत जल्दीबाजी में बिल्डिंग बनाई जा रही है 75th ईयर को कमोबरेट करने के लिए, एक बहुत प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है जिसकी वजह से क्या होगा कि डिजाइन डेवलप नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से। तो ये मुझे और जो पूरा फील भी है, मैंने मिस्टर पटेल का पूरा प्रेजेंटेशन देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो डिजाइन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं। तो डिजाइन का प्रोसेस बहुत लंबा होता है, उस प्रोसेस को वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर पा रहे इस पूरे डिजाइन। तो अब ये सवाल आता है कि हमें नई संसद की जरूरत क्यों पड़ी, अभी वाली संसद भी तो अच्छी दिखती है, क्यों इतना खर्च करके नई संसद बनाई जा रही है। तो नई संसद बनाने की कई वजहें बताई जा रही हैं। सबसे अहम वजह है पुरानी संसद में जगह की कमी। आजादी के बाद भारत में पहली बार लोकसभा के चुनाव साल 1951-52 में हुए। उस वक्त लोकसभा की 489 सीटें थी, आज लोकसभा के 543 सदस्य हैं। अभी कई सीटों पर एक सांसद 25 लाख तक की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए नए परिसीमन से सीटों की संख्या बढ़ाने की जरूरत भी महसूस हो रही है। 2021 की जनगणना के आधार पर 2026 में नया परिसीमन लागू होगा और उसके बाद लोकसभा की सीटें और बढ़ जाएंगी, ऐसा अनुमान है। और अगर सीटें बढ़ती हैं तो उस लिहाज से मौजूदा संसद में जगह कम पड़ जाएगी। लोकसभा के ट्विटर हैंडल से भी कल बताया गया कि हाल के दिनों में लोकसभा में काम करने वाले लोगों और विजिटर्स की संख्या कई गुना बढ़ गई। दूसरी वजह, मौजूदा संसद भवन को बने 100 साल पूरे होने को आए, इसलिए इमारत पुरानी होने की वजह से कई जगह रिपेयरिंग की जरूरत भी है। वेंटिलेशन सिस्टम हो, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम या ऑडियो वीडियो सिस्टम, इसमें तकनीकी के साथ साथ बहुत सारे बदलाव हुए हैं, लेकिन पुराना संसद भवन परिसर इसके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा। संसद भवन के अलावा सभी मंत्रालयों के दफ्तर भी अलग अलग जगहों पर हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन में दिक्कत महसूस की जाती है। नए प्रोजेक्ट में यह तय किया गया है कि मंत्रालयों के दफ्तर भी पास पास बनाए जाएं। तो ये तो नई संसद बनने की वजह हो गई, पर पुरानी संसद उसका क्या होगा भविष्य में? क्या वो गोल इमारत अब सिर्फ तस्वीरों और हमारी स्मृतियों तक रहेगी, जमीन पर नहीं दिखेगी? ऐसा नहीं है, पहले वाली संसद की इमारत आगे भी ऐसी की ही रहेगी, लेकिन उसका इस्तेमाल बंद हो जाएगा, वो बतौर ऐतिहासिक धरोहर सहेज कर रखी जाएगी। यानी देखने जाएंगे तो उनको बताया जाएगा कि कभी यहां पर प्रधानमंत्री मोदी बैठते थे या प्रधानमंत्री नेहरू ने यहीं पर खड़े होकर 1947 वाला आजादी का भाषण दिया। मौजूदा संसद के बारे में और क्या क्या बताया जाएगा, उस इतिहास तक भी चलते हैं, यानी कि जो संसद 2022 के बाद पुरानी हो जाएगी। साल 1911 का था, भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी और ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। दिल्ली के बुराड़ी के पास किंग जॉर्ज पंचम का दरबार लगा, आज उस जगह को कोरोनेशन पार्क कहते हैं।
देश भर के राजे रजवाड़े और अंग्रेजी हुकूमत के बड़े अधिकारी इस जलसे में शामिल हुए। यहीं पर जॉर्ज पंचम ने एक महत्वपूर्ण ऐलान किया कि अब ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कलकत्ता नहीं दिल्ली होगा। इस ऐलान से दिल्ली का भारत की राजनीतिक राजधानी के तौर पर नया दौर शुरू हुआ। अब दिल्ली में वायसराय का घर बनाया जाना था, सचिवालय बनने थे, असेंबली की बिल्डिंग भी बनाई जानी थी। ये काम मिला उस दौर के नामी आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस को। उनके साथ सर हर्बर्ट बेकर भी थे। एडविन लुटियंस के नाम पर ही इस इलाके को लुटियंस दिल्ली कहा जाता है। तो लुटियंस और बेकर ने क्या किया? उन्होंने भारत के मौजूदा संसद भवन का भी डिजाइन तैयार किया और 12 फरवरी 1921 को इस भवन का शिलान्यास किया गया। इसे तैयार करने में 6 बरस लगे और खर्च आया 83 लाख रुपए का। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को इस भवन का उद्घाटन किया। इसमें अपर हाउस और लोअर हाउस के अलावा एक सेंट्रल हॉल रखा गया था। उस वक्त इसका नाम पार्लियामेंट नहीं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था। और सेंट्रल असेंबली से एक चीज और याद आ रही होगी आपको, सेंट्रल असेंबली बम कांड। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में ही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अंग्रेजों के खिलाफ सांकेतिक विरोध के तहत असेंबली में बम फेंका था। तो नई बिल्डिंग बन गई, वहां पर क्रांतिकारी गतिविधियां भी हो गई। इससे पहले कि हम आजादी के दौर में दाखिल हों, आपको एक और दिलचस्प फैक्ट बताते हैं। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का जो हिस्सा है, वहां पर एक जिला है मुरैना। वहां एक पहाड़ी के ऊपर महादेव का मंदिर है। इसे 64 योगिनी मंदिर भी कहते हैं। उस मंदिर की डिजाइन से ही भारत की संसद की डिजाइन प्रेरित है। वृत्ताकार, एक वृत्त और उसके अंदर दूसरा और फिर तीसरा, साथ में पिलर वाली डिजाइन भी। हम अतुल्य भारत की बात करते हैं, आपको इस तरह की चीजें जरूर देखनी चाहिए। और अब जब मुरैना का जिक्र आया है तो एक जिक्र और, थोड़ा विषयांतर हो रहा है पर इतनी छूट ले सकता हूं। के मोहम्मद ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में रहते हुए एक बड़ा अभिनव काम किया था। 1200-1300 साल पुराने मंदिर जो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गए थे, जमीन पर शिलाखंडों की तरह पड़े हुए थे, उनको दोबारा जोड़कर बनवाया। उसको बटेश्वर महादेव कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वहां भी जरूर जाइएगा। अतुल्य भारत की यही खूबी है, आप इस देश में जहां भी जाएं आपको हजारों वर्षों का इतिहास नजर आता है। और इस इतिहास का एक अहम पड़ाव कब आता है? 15 अगस्त 1947 को, जब हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए। आधी रात को संसद के सेंट्रल हॉल से, जिसकी हम बात कर रहे थे, पंडित नेहरू ने वो ऐतिहासिक भाषण दिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाला। और उसके बाद से भारत में बनाने बिगाड़ने का सारा गणित इसी संसद में हुआ। सब इतिहास में अच्छे से दर्ज है और अब ये संसद भी 2022 के बाद इतिहास में हिस्सा बन जाएगी, दर्ज हो जाएगी। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर भारत को एक नई संसद मिल जाएगी। आज के शो में इतना ही। आखिरी में एक गमगीन करने वाली खबर दूंगा, पर उससे पहले एक उम्मीद कि नई संसद बने और उस संसद में हमारे और आपके जो प्रतिनिधि बैठे हैं वो भी नए विचारों से, प्रगतिशील विचारों से, समतामूलक विचारों से लैस हों। और गमगीन करने वाली खबर क्या है? हिंदी के प्रसिद्ध कवि मंगलेश डबराल का बुधवार शाम को निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। मंगलेश अंतिम समय में कोरोना वायरस और निमोनिया की चपेट में थे। उसके बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे। 72 साल के थे। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए वेंटिलेटर पर रखा गया। मंगलेश डबराल, जिन्हें उनको चाहने वाले मंगलेश दा भी कहते हैं, उनका जन्म 16 मई 1948 को उत्तराखंड के काफलपानी में हुआ। लंबे समय तक पत्रकारिता और संपादन करने के साथ मंगलेश डबराल दिल्ली में रहते हुए लिखाई पढ़ाई करते रहे। उनके नाम 7 कविता संग्रह हैं, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य, नए युग में शत्रु और कवि ने कहा। इसके साथ ही निबंधों के 2 संग्रह, लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन भी मंगलेश डबराल ने लिखे हैं। उनको श्रद्धांजलि देते हैं हम। और आखिरी में उनकी ये कविता। बाहर एक बांसुरी सुनाई देती है, एक और बांसुरी है जो तुम्हारे भीतर बजती है और सुनाई नहीं देती। एक दिन वो चुप हो जाती है, तब सुनाई देता है उसका विलाप, उसके छेदों से गिरती हुई राख। मंगलेश डबराल की स्मृति को प्रणाम। समाज को, अपने साहित्यकारों को, अपने कवियों को, अपने सृष्टाओं को, अपने दृष्टाओं को सहेज कर रखना चाहिए, तभी समाज अपनी संस्कृति की थाती को लेकर समृद्ध हो सकता है, करुणामय हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।